कम फ्रेंड्स, मैं आज आपको अपना एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल पेरिनियल प्लांट दिखा रही हूँ, जिसका नाम है गोल्डन श्रिम्प। गोल्डन कैंडल भी इसको बोलते हैं, लॉलीपॉप प्लांट भी बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है पाकिस्टाची लूटिया। अब मैं बताती हूँ इसके लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए। सॉइल इसकी वेल ड्रेन बनाएं और वाटरिंग इसको, प्लांट को मॉइस्ट रहना अच्छा लगता है, ओवर वाटर या ड्राई नहीं। लाइट इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए। आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं जहां आपके ब्राइट लाइट आती हो, और इसको फर्टिलाइज़ तभी करें जब ये फ्लावरिंग करता है। और इसका फ्लावरिंग सीज़न है स्प्रिंग और समर। विंटर में ये ऐसे सिर्फ ग्रीन पत्ते ही रहते हैं। जैसे स्प्रिंग आती है इसके ऊपर ये खूबसूरत कैंडल्स दिख रहे हैं ये, और इसकी शेप श्रिम्प जैसी शेप है। ये देखिए वाइट साइड्स में से निकला हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है। ये काफ़ी बड़ा प्लांट हो जाता है। अगर ये आपका पॉट में लगा हुआ है तो आप इसको ट्रिम करते रहें, जितना आप प्रून करेंगे इसको उतनी ज़्यादा इसमें ब्रांचेस होंगी, और उतने ही ज़्यादा ब्रांचेस के ऊपर ये फ्लावर्स आएंगे। इसका फ्लावर काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी दिनों तक ये फ्लावर खिले रहते हैं। और इस प्लांट की कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और इसको आप जितना फ्लावर्स को काफ़ी दिनों के बाद, ये वैसे तो खुद ही गिर जाते हैं, नहीं तो आप इनको कट करते रहें और उस जगह पे और नए नए फ्लावर्स आते रहेंगे तो। और इसके एक बहुत ही मीठा सा रस होता है इसकी ये कैंडल्स में, ये इन फ्लावर्स में, तो इनके ऊपर हमिंग बर्ड्स वगैरह आके इसका रस पीती हैं। इसकी दो वैराइटीज़ और भी हैं, रेड और नियॉन कलर के, उसमें फ्लावर्स आते हैं, लेकिन यही थोड़ा रेयर है। जब फ्लावर्स आएँ तब आप इसको गोबर खाद या फ्लावरिंग ज़्यादा जिससे हो, पोटाश थोड़ी थोड़ी इसमें गमले में चारों तरफ डाल के इसको मिक्स कर दें। गोबर खाद से भी काफ़ी इसमें बेनिफिट होता है। ये मैंने एक छोटू सी चिड़िया टांग रखी है इसके ऊपर, और मैंने इसको इंडोर रखा हुआ है, देखिए इस टेबल के ऊपर। ये थे मेरे खूबसूरत गोल्डन कैंडल फ्लावर्स प्लांट के बारे में जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you.